पुलिस अधीक्षक की कमान संभाल चुके एसपी सुनील पांडे ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से पुलिस कंट्रोल रूम पर चर्चा की और जिले के पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। वहीं इसके बाद एसपी सुनील पांडे ने मुख्यालय के सभी पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पुलिस तक असल सूचना पहुंचाने और उनका सहयोग करने की बात कही। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक की कमान संभाल चुके एसपी सुनील पांडे ने बुधवार को जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से पुलिस कंट्रोल रूम पर चर्चा और जिले की पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में जाना। वहीं इसके बाद एसपी सुनील पांडे ने मुख्यालय के सभी पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पुलिस तक असल सूचना पहुँचाने और सहयोग की बात कही। एसपी पांडे ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का माफिया हो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, जिले की कानून व्यवस्थाओं में और सुधार किया जाएगा। आपको बता दें कि एसपी सुनील पांडे का बतौर एसपी मंदसौर पांचवा जिला है। इससे पूर्व वे मुरैना व श्योपुरा आदि जिले में पदस्थ रहे हैं। अभी भोपाल से स्थानांतरित होकर मंदसौर पुलिस कप्तान की कमान संभाल चुके हैं। उसका नंबर मैं एक बार ना उठाऊं इसलिए कि नाम पढ़ के मेरे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है, चलो यार बात में बात कर लेंगे। लेकिन जिसका नंबर ठीक नहीं उसका फोन में चलो ये मान के उठाता हूँ कि ये इसको पुलिस आपका नंबर दे। लेकिन जिसका नंबर ऐसा है जिसको जरूरत है जो एसपी से बात करना चाहता है जो किसी पुलिस वाले से बात करना चाहता है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके फ़ोन उठाऊँ। ना उठाने के कारण आप लोग भी जा सकते हो, जैसे आप देख रहे हो अभी बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे कहीं रहूँगा वहाँ से वहाँ निकल जाऊँगा तो उठाऊँ। आप लोगों से बड़ी चीज़ ये है कि मैं इस इलाके की जो स्थिति है वो कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। और पुलिस हर पुलिस वाले की कोई जो क्रिमिनल नहीं है पुलिस को